नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, हम सबको पता है कि कैसे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बॉलीवुड वालों ने FIR दर्ज किया, बिकॉज उनका कहना था कि अर्नब गोस्वामी जानबूझ के उनको डिफेम कर रहा है, बॉलीवुड वालों को। वो बॉलीवुड जहां पर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर ड्रग्स का सेवन किया जाता है, वही बॉलीवुड के सपोर्ट में खड़ी हुई थी वरिष्ठ अभिनेत्री जया बच्चन, जिनको लग रहा था कि थाली में छेद करने वाले लोग जो ऑब्वियसली बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं और बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स की कुप्रथा के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। तो अब मैंने सुना है फ्रॉम वेरियस यूट्यूब चैनल्स, स्पेसिफिकली नेमिंग न्यूज 24/7 यूट्यूब चैनल, जहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि सिद्धार्थ रॉय कपूर, जो विद्या बालन के हस्बैंड है, जिनकी थर्ड बीवी है विद्या बालन, वो सिद्धार्थ रॉय कपूर ने हर एक प्रोडक्शन हाउस में फोन करवा के उनसे ये कंप्लेन दर्ज करवाई अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी। तो सिद्धार्थ रॉय कपूर, आप उरी पिक्चर करते हैं, उरी पिक्चर, जी हाँ, उरी पिक्चर हिट हो जाती है, आप एक तरफ ऑब्वियसली केंद्रीय सरकार के गुड बुक्स में आ जाते हैं क्योंकि आप उरी पिक्चर डिलीवर करते हैं, जो एक अच्छी बनाई हुई पिक्चर थी जिसमें अच्छा काम किया था विक्की कौशल ने, मगर दूसरी ओर आप ऑब्वियसली बॉलीवुड वालों को पोख करते हैं कि भैया कंप्लेन करो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, क्योंकि अर्नब गोस्वामी बॉलीवुड को बदनाम कर रहा है। क्या ड्रग्स की सच्चाई बाहर रखना बॉलीवुड को बदनाम करना है? ड्रग्स तो हर फील्ड में है, मगर बॉलीवुड में इतना ज्यादा है, और बॉलीवुड के जो सुपरस्टार्स हैं वो एक तरफ फिटनेस को प्रमोट करते हैं और दूसरी तरफ ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो उनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आप इसलिए बॉलीवुड के सारे प्रोडक्शन हाउसेस को फोन करके कह रहे थे कि अर्नब के खिलाफ FIR दर्ज करो, क्योंकि अर्नब ये हिपोक्रेसी को फुल्ली एक्सपोज कर रहा था। तो सिद्धार्थ रॉय कपूर, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अगर आपने ऐसा किया है एज पर द यूट्यूब चैनल न्यूज 24/7, देन आपकी सच्चाई अब हम सबके सामने आ चुकी है। जी हाँ, एंजॉय योरसेल्फ विद योर थर्ड वाइफ। पता नहीं ये थर्ड वाइफ आगे जाके पिक्चरें कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि हमें लगता है कि आपका प्रोडक्शन हाउस भी बहुत जल्द बंद होने वाला है, क्योंकि अगर आपकी बीवी जस्टिस सुशांत सिंह राजपूत की मांग नहीं रखती और दूसरी तरफ आप ऐसे षड्यंत्र करते हैं अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी, तो हम राष्ट्रवादी लोग आपको और आपके प्रोडक्शन हाउस और आपकी बीवी को अपने जहन में रखेंगे जब आप लोगों की कोई पिक्चर रिलीज होगी, क्योंकि बॉयकॉट ट्रेंड से तो प्रमोशन मिलती है अक्षय कुमार की फिल्म को, मगर असली में जब बॉयकॉट होगा ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ जाना क्या होता है। नमस्ते, जय हिंद।